जॉब जो तैयार होता है प्राइवेट सेक्टर से तैयार होता है, सरकारी नौकरियां कितनी निकल आएंगी, कितनी दे देगा कोई भी सरकार हो। जो जनता का नहीं हो सकता है, जो देश का नहीं हो सकता, उसको मैं भी नहीं हो सकता। कोई भी सरकार आवे, आज क्या माहौल है, आप जा सकते हैं। विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में अब हम बढ़ रहे हैं। कानपुर में इसी चरण में चुनाव होना है। यहाँ पर भाजपा से रमेश अवस्थी चुनाव मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस से आलोक मिश्रा है, बसपा से कुलदीप भदौरिया चुनाव मैदान में हैं। कहते हैं कि सत्ता की चाबी कानपुर से होकर ही जाती है। अपने उद्योग और धंधों के लिए प्रसिद्ध कानपुर पिछले 10 वर्षों में विकास की राह में आगे बढ़ा है। क्या कहती है यहाँ की जनता इस बार के चुनाव को लेकर, चलते हैं उनसे बात करने के लिए। आपका क्या नाम है भैया? अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं गुंटी नंबर 5 में रहता हूँ। और क्या चल रहा है आजकल, माहौल कैसा चल रहा है? बहुत गंदा माहौल ऐसा चल रहा है कि भाजपा में है सब लोग, और राम मंदिर, आपकी उज्ज्वला योजनाएं, आपके प्रधानमंत्री आवास, आपके मोदी जी के द्वारा किए हुए कार्य, सामाजिक और राष्ट्रवाद की भावना जो है ना, वो लोगों में भर गई है। कानपुर को क्या मिला पिछले 10 सालों में? कानपुर में क्या परिवर्तन हुआ उस पर जरा बताइए। कानपुर में सबसे बड़ी चीज मेट्रो हमारी आ गई है। आज नहीं तो कल हम मेट्रो से चलेंगे ही, सीधे घंटा करते मोती जी लाएंगे, मोती जी से अपने घर आ जाएंगे। अभी तक हम क्या है, जाम में फंस जाते थे। अब क्या है कि समस्या ये रहती थी, हमें कहीं रिजर्वेशन कराना है तो धक्के खाने पड़ते थे, ट्रेनों में ठुसम ठुस भीड़, काशी जाना है, वंदे भारत मिल जाती, 2 मिनट बैठ के निकल लेते हैं। किसी का घोटाला भी खुला है। बात अगर करेंगे तो आज विपक्षी जो है यही कह रहे हैं मोदी ने किया। अपना नाम तो बता दीजिए। सैलेन सिंह चौहान है। कहाँ रहते हैं? अच्छा, तो विकास इतना हुआ है कि वो दिख रहा है, लेकिन लोगों की जबान से निकलता नहीं, क्योंकि उनके वही चढ़ा हुआ इतने सालों से कि नहीं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वैक्सीनेशन की बात है, आज सब स्वस्थ होकर घूम रहे, टहल रहे, पूरा विश्व जो है पीड़ित था, घर से नहीं निकल रहे थे, तब वैक्सीन इंडिया ने बना के पूरी दुनिया में बांटी, एक एक आदमी को स्वस्थ कर दिया। किया क्या है? अच्छा, एक सबसे बड़ा कल रिपोर्ट आई है जनसंख्या को लेकर जो है, जनसंख्या नियंत्रण, आप ये समझ लीजिए अगर हम 10,000 रोजगार पैदा कर रहे हैं और उधर 50,000 बेरोजगार रोज तैयार हो रहा है, कौन सी सरकार कर लेगी? 140-150 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया, ये कह रहे हैं रोजगार नहीं दे रहे। अरे कोई पेड़ पे लगा है क्या कि तोड़ के दे दिया? पैदा करेंगे ना, पैदा करना पड़ता है रोजगार, और जनसंख्या उससे चौगनी हो रही है। रोजगार कम पैदा, कहां से पैदा हो रहा है, कहां से पूर्ति होगी? बेरोजगारी तो रहेगी। आपका आपका नाम क्या है? राजेश शुक्ला मेरा नाम है। जी जी, कहां रहते हैं? बाग निवासी। तो क्या कहना आज चुनाव को लेकर? क्वेश्चन करिए आप। क्वेश्चन ये, चुनाव को लेकर क्या है दिमाग में आपके चल रहा है? चुनाव को लेकर दिमाग में ये है, हर मोदी, घर घर मोदी, और अब की बार 400 पार। जॉब जो तैयार होता है प्राइवेट सेक्टर से तैयार होता है, सरकारी नौकरियां कितनी निकल आएंगी, कितनी दे देगा कोई भी सरकार हो। जब हम व्यापारी लोगों को सुविधा देंगे, वो व्यापार अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे, वहां से व्यापार निकलता है, रोजगार निकलता है। जब सब नौकरी बन जाएंगे तो व्यापार कौन करेगा? आपका आपका नाम क्या है? तो आपको लगता है कि भाजपा ही सही है? सही है। नहीं, कमियां क्या है कांग्रेस की, ये भी तो बता दीजिए। कमियां ही कमियां है भाई साहब, कमियां ना होती तो आज सरकार कांग्रेस की ना बनी होती, भाजपा की सरकार क्यों बनी है? 10,000 करोड़ के घोटाले, जो जिसने घोटाले किए वो अंकों में लिख भी नहीं पाएगा। 10,000 करोड़ घोटाले, 1,00,000 करोड़ घोटाले। आपका नाम क्या है? आर्यन ओझा। आर्यन ओझा जी, क्या करते हैं? हम रिटायर हो गए एयरफोर्स से। एयरफोर्स से रिटायर्ड है। कानपुर के लेकर, चुनाव को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। अच्छा। न मैं किसी का भक्त हूँ, अच्छा। न मैं किसी का विरोधी हूँ। जो मोहि जाने सो मोहि जाने, जो हमको जानता है उसको मैं भी जानता हूँ। जो जनता के लिए मर रहा है उसके लिए मैं मर रहा हूँ। अच्छा। जो जनता का नहीं हो सकता है, जो देश का नहीं हो सकता, उसको मैं भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये मेरी अपनी विचार है। अच्छा, मौजूदा सरकार के कामकाज से संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है? मौजूदा सरकार के कार्यकाल से मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये मौजूदा सरकार की बहुत अच्छी है। अच्छा,
ये अच्छा है। अच्छा ये उनका खराब। आपका नाम क्या है? सलीम नावर साहब मेरा। आपका कहाँ रहते हैं सलीम जी? क्या मौजूदा व्यवस्था आपको क्या लग रहा है, ठीक है? हाँ, कोई और विकल्प नहीं है। अब मैं समझता हूँ जी ने अपने हिंदुस्तान के लिए विदेशों में भी अपना एक झंडा गाड़ा हुआ है, भारत का नाम रोशन है, आने वाली सरकार भी मैं चाहता हूँ। आप मन से खुश हैं या ऐसे कह रहे हैं? मन से खुश है तभी मन से आवाज निकल रही है। अच्छा, अब ये तो आपने इसलिए पूछा लोगों की विचारधारा की, हिंदू मुस्लिम। हाँ हाँ, ये विचारधारा को लेकर आपको क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विचारधारा नहीं है ऐसी कुछ। आपको लगता है कि जो इस सरकार है सही है? बिल्कुल सही है और आगे भी यही सरकार रहेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको क्या लगता है? कोई भी सरकार आवे, आज वहाँ क्या माहौल है, आप जा सकते हैं। विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। अच्छा, उससे की सत्ता पक्ष मनमानी ना करे। विरासत में मिल गई है, और उसके ऊपर भी जैसे हाथी के ऊपर एक अंकुश रहता है, ऐसे उसके ऊपर भी अंकुश होना चाहिए। कानपुर में 10 साल पहले तक प्रदूषण, बंद मिलें, जाम, परिवहन व्यवस्था, इनको लेकर बड़ा सवाल उठता था, लेकिन मेट्रो के आने के बाद ही थोड़ी सी जाम की समस्या का निदान कानपुर में हुआ है। गंगा सफाई को लेकर केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। इस बार के चुनाव में भीतरी बनाम बाहरी का मुद्दा भी थोड़ा थोड़ा जोर पकड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर यहाँ की जनता संतुष्ट है। दैनिक जागरण टीवी के लिए रितेश द्विवेदी कानपुर।